जीशान आखिरी 10 मिनट रह जाए तो बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सारी तारीफें तमाम हमदो सना सब मिद्दतें उस खुदा बुजुर्गो बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, जो जो यहाँ पर मौजूद है और हमें फेसबुक पर देख रहा है और वेब रेडियो के थ्रू जो हमें सुन रहा है, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। एक बार फिर बसीरत रमज़ान नशरियात के साथ हम हाज़िर हैं। देखें कितनी तेज़ी से वक्त गुजर जाता है, कितनी तेज़ी से वक्त गुजरता है। रमज़ान में ख़ास तौर पर आज 5वां रोज़ा हो चला है देखते ही देखते, तो बस हम इब्तदा में यही गुजारिश करेंगे कि हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। हम आपके लिए खूबसूरत नशरियात लेकर रोज़ाना हाज़िर होते हैं सेम टाइम पर। बाकी आप हमारी इस ट्रांसमिशन का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नंबर भी बता ही देता हूँ, 0330-86-000-72, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर आप कोई नात सुनाना चाहते हैं तो नात हमें सेंड कर सकते हैं, ज़रूर हम ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। आइए तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अलीशा, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आज की इस महफिल का बज़म का आगाज़ कीजिए तिलावत कलाम पाक से। هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله یہ ہمارے ساتھ علیشا موجود ہیں جن کی آواز میں آج کی اس محفل کا آغاز ہوا آئیے حمد باری تعالیٰ سے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں یا اللہ یا Oh yeah.
अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अलीशा मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हम्द के बाद अगर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम शामिल करें और फिर उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आज का जो मौजू है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारा डिस्कशन पैनल मौजूद होगा इस नात के बाद। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं बड़ बड़े क्या कहने हैं माशाल्लाह। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए। अल्लाह, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं अलीशा, बहुत खूबसूरत आवाज और समा बांध दिया है आपने महफिल के आगाज में ही। तो अब हम बढ़ते हैं मौजू की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं तलहा इनाम और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसन इकबाल। तो मौजू मैं आपको बता ही देता हूँ आज जिस मौजू को हमने चुना है गुफ्तगू के लिए, नियत खुलूस और हमारी कारकर्दगी। तो क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर नियतों पर। अगर हम ये जो हदीस है आमाल का दारो मदार नियतों पर है, यहाँ से आगाज करें तलहा इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब, एक बार फिर हम इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। ये हमारे मुसलमानों की जो सही तरीन किताब सही बुखारी, उसकी इब्तिदा इस किताब से हो रही है। और इमाम बुखारी इस किताब को सबसे पहली अहदीस के तौर पर जो है लेकर आए हैं। इसका मकसद क्या,
कि हर चीज़, हर इबादत, हर नेकी करने से पहले उसकी नीयत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी वो नीयत करता है, वही अमल वो करता है। आगे और अहदीस में फरमाया कि जो शख्स हिजरत करता है अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अगर तो इसकी ये हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है तो वो अल्लाह और उसके रसूल को पा लेता है, अगर उसकी हिजरत दुनिया के लिए है तो वो दुनिया को पा लेगा, अगर उसकी नीयत किसी औरत से निकाह के लिए है तो वो उसको पा लेगा। मतलब कि हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू, हर एक लम्हा, हर अमल, हर काम नीयत के साथ मुंसलिक है। यानी कि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं और वो बीज हमारा खालिस नहीं है, वो बीज सही नहीं है, जैसे कि अगर हम आम का पौधा लगाना चाहें और हम किसी और फल का बीज लगाएं, नेकी करना चाह रहे हैं लेकिन दिल में नेकी का इरादा नहीं है, इसका मकसद ये है कि ज़ाहिरी तौर पर तो नेकी है, दुनिया को मेरी नेकी नज़र आए, और दिल में जो है हमारे अपने दुनियावी मामलात और उस काम के उलट जो है हमारा हिसाब किताब चल रहा हो, तो यकीनन जिस जो बीज हम बो रहे होंगे वही बीज आगे चल कर दरख्त की सूरत में सामने आएगा और हमें फल देगा। तो नीयत बिल्कुल इसी तरह से है, नीयत जिस काम की हो, अगर हम बहुत ज़्यादा आबिद और जाहिद शख्स हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन तीन लोग ऐसे होंगे जिनको हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा, और आप देखें कि वो इस्लामी दुनिया के बड़े चोटी के लोग, यानी कि एक शहीद, एक आलिम दीन और एक सखी, ये तीनों ऐसे अमल हैं, तीनों ऐसे काम हैं जो हम मुसलमान जिनका बड़ा अदब करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, उनको बहुत मर्तबा हमारे दीन में बताया गया। लेकिन क्या मामला है कि जब शहीद से पूछा जाएगा कि हाँ भाई तुमने दुनिया में क्या मामला किया, तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला तेरे रास्ते में मैं शहीद हो गया। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, तू चाहता था कि दुनिया के लोगों के सामने तेरी बड़ाई साबित हो, ये साबित हो कि तू बहुत बहादुर है, तू ये चाहता था और तूने इसको पा लिया, लोगों के नज़दीक तो बहादुर जो बहुत शुजा साबित हो गया और तेरी जो नेकी थी वो ख़त्म हो गई। इसी तरीके से आलिम दीन जो खुद नेकियां करता है लेकिन उसकी नीयत अंदर कुछ और है, और वो यही बताता है, अल्लाह ताला जब उससे सवाल पूछते हैं कि क्या किया दुनिया में, तो वो बताता है अल्लाह तेरे दीन का काम किया, तेरे दीन को फैलाया, यही मैं काम करता रहा, तो अल्लाह ताला उसको कहेंगे कि नहीं, तेरा मकसद ये था कि तू लोगों में आलिम, जाहिद, इबादत गुजार, बहुत ही नेक जो है शख्स बन के लोगों के सामने रहे, और जो तू चाहता था वो तूने पा लिया। इसी तरीके से सखी के बारे में, तो नेकी जो है वो असल है, वो मेन मकसद हमारा नीयत है, इस नीयत को अगर हम खालिस करेंगे, इस नीयत को हम सही रखेंगे, तो ही हमारे आगे के तमाम आमाल जो हैं वो सही रहेंगे। जनाब खुशामदीद कहते हैं, एहसन इकबाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, दोनों साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, तलहा इनाम और एहसन इकबाल। तो अब मैं सवाल करूंगा एहसन, आज के मौजू से मुतल्लिक, हम देखते हैं हम नमाज, कोई भी नमाज पढ़ रहे हो तो हम नमाज से पहले हर नमाज की एक अलग नीयत है, और रोज़ा रखते हैं तो नीयत करते हैं, तो इस हवाले से भी कहिएगा कि क्या अगर हम नीयत ना करें तो, अगर रोज़ा रखते हुए हम नीयत ना करें तो क्या हमारा रोज़ा नहीं होता, नमाज पढ़ते हुए अगर हम नीयत ना पढ़ें तो हमारा रोज़ा नमाज नहीं होती, इस हवाले से। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम लिसनर्स को और जो व्यूवर्स हैं उनको, और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम साकिब आपको भी, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर हम जो है वो अपनी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया गया है आज, नीयत और खुलूस को एक साथ रखा गया है, ये बहुत ही खूबसूरत इंतजाज है जिसके ऊपर गुफ्तगू करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि अगर खाली नीयत की बात की जाती तो बहुत कम वक्त में एक बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि आपने जिस काम के लिए अपनी विलिंगनेस शो नहीं की उस काम को आप कर तो रहे हैं लेकिन उसे नहीं बताया कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, तो फिर उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता है। अगर आप दुनिया को बताते रहेंगे ना कि मेरी नीयत ये है, उसे पता है कि आपके दिल में क्या है। तो ये जो अभी हदीस सुनाई गई, तो अल्लाह ताला को पता था कि उस शहीद का मकसद क्या है, उस आलिम का मकसद क्या है, उस सखी का मकसद क्या है। उसमें अल्लाह ताला आगे चल के फरिश्तों को कहते हैं कि इन तीनों को औंधे मुँह जो है घसीट कर जहन्नम में दाखिल करते, यानी जिन ओहदों की हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तकरीम है उन ओहदों को जो है वो बताया गया कि ये जो ओहदे हैं ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपने फुलफ़िल नहीं की, आपने इसको अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए यूज़ किया, तो आप जो है वो इस तरह से आपको आपके अमाल बर्बाद कर दिए गए। नीयत के ऊपर ही हम आगे चलते हैं, तो नीयत के जो
بات ہے نا کہ آپ نے پوچھا کہ نماز کی نیت، روزے کی نیت یا اعمال کی نیت، آپ نے وہی بات کی نیت کے کرنے کی اور نیت کے پڑھنے کی. نیت کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نیت کا کرنا الگ چیز ہے. آپ نے نیت پڑھ تو لی، نیت کی نہیں تو نیت نہیں ہوئی. یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم نے بقرا عید میں قربانی کے لیے جانور لے کر آئے، ہم نے بڑے بڑے جانور لیے ہیں، ہم نیت وہی پڑھ رہے ہیں کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آگے جو دعائیں ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہم نے جانور کو نہار کیا. لیکن سب کو پتا ہے کہ پورے علاقے میں کس سیٹھ کا جانور مشہور ہے. سب کو پتا ہے کہ پورے کراچی میں کس کی کرین گائے جو ہے وہ کرین سے جو ہے وہ گائے اترنی ہے. تو یہ اندازے سب کو ہیں. تو جب انسان پہچان سکتا ہے تو جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کو شعور دیا ہے پہچاننے کا، وہ آپ کی نیت کو بخوبی پہچانتا ہے. ایک روایت بھی ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں نیکی کرنے والے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیکی اور ان کے رب کے درمیان فرشتے بھی حائل نہ ہو جو نیکی لکھتے ہیں، یعنی انہیں بھی پتہ نہ لگے کہ ہماری نیکی کیا ہے. وہ اس طرح سے اپنی نیکی کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم نیکی کرو تو نیکی کے بعد اس کی حفاظت پر معمور ہو جاؤ، یعنی اپنی نیکی کر لی اس کے بعد اس کے گارڈین بن جاؤ، اس کی حفاظت کرتے رکھو، اس کی پروٹیکشن میں اپنے آپ کو انوالو کر لو. وہ نیکی کہیں تمہارے کسی برے عمل سے ضائع نہ ہو جائے یا پھر تمہارے ظاہر کرنے سے ضائع نہ ہو جائے. اچھا، بعض جگہ ہمیں نیکی ظاہر بھی کرنی ہے، اس میں بھی نیت یہ نہیں ہے کہ ہماری نمود و نمائش ہو. یعنی ہمیں نماز اجتماع کے ساتھ پڑھنی ہے، ہمیں عید کی نماز اجتماع کے ساتھ پڑھنی ہے، ہمیں قربانی سنت ابراہیمی ہے، ہمیں میدانوں، کھلے میدانوں میں قربانی کرنے کا کہا گیا تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے. صدقہ، جب صحابہ کرام جہاد سے پہلے جو اعلان ہوا کرتے تھے کہ جس کے پاس سواریاں ہیں، جس کے پاس اشرفیاں ہیں، جس کے پاس ساز و سامان ہے، ہر ضرب کا سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، وہ لے آئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں جو دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولا کہ اگر اس کے اوپر سوئی بھی لٹکی ہو تو وہ بھی نہ رہ جائے، میں وہ بھی لے جاؤں. تو ان کی یہ چیز تو 1400 سال تک آنے والی جتنی نسلیں ہیں ان سب کو پتہ ہے اور قیامت تک لوگوں کو پتہ رہے گا. تو اس سے ان کی نیکی میں مزید اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ ان کی اس عمل کی وجہ سے، اس خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے امر کر دیا اور لوگ اس سے موٹیویشن لے کے، اس سے انسپائر ہو کے صدقہ خیرات میں جو ہے وہ تیزی دکھاتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہا گیا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ کرے تو اس کو یہ نیکی بھاری ہے. تو وہ صرف تو اخلاص کے لیے ہے. یعنی اگر آپ نے نیکی کو ظاہر کرنا ہے یا آپ کی نیت ایسی ہے کہ آپ دنیا کو بتا رہے ہو کہ بھائی میری یہ نیت ہے، جیسے ابھی ہمارے یہاں فلڈ آتا ہے یا کوئی ایسی قدرتی آفت آتی ہے تو لوگ بتا کر نیکی کرتے ہیں. جو بڑی بڑی کمپنی کے اونرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے لاکھ دیے، اتنے کروڑ دیے، یا ہم نے یہ جگہ وقف کر دی. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم جو ہے وہ بتائیں کہ ہماری کمپنی نے اتنا کچھ ڈونیٹ کر دیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترغیب دی جائے. تو اگر تو آپ کا مقصد نیکی کے معاملے میں، نیت کے معاملے میں ترغیب دینے کا ہے کہ آپ نیکی کو دنیا کو بتا کر کر رہے ہیں، تو آپ بالکل کریں، 100 بار کریں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. لیکن آپ کی ایسی نمود و نمائش یا ایسا ظاہر کرنا جس کے ظاہر کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو. مثلاً ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، دنیا بھر میں گوگل کے اوپر مسجد حرام سے لے کر مدینہ شریف سے لے کر میقات سے لے کر ہر جگہ کی ہر اینگل سے تصویر موجود ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ بیت اللہ کی طواف کی ویڈیو بنا رہے ہیں؟ آپ یہ ترغیب کے لیے تو نہیں کر رہے. تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جنت میں بھی خود ہی جانا ہے اور عذاب بھی خود ہی بھگتنا ہے. تو دین جو آپ نے سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کے اوپر جو کامن سینس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اپنا جو بصیرت اور فراست دی ہے، اس کے مطابق آپ نے عمل کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کی تبلیغ مجھ پر لازم بھی ہے کہ نہیں. اب ہر چیز کی تبلیغ ہر بندے پر لازم نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم نے اگر ترغیب کرنی ہے تو ہی لوگوں نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے، ورنہ لوگوں نے عمل نہیں کرنا. اب ایک مزدور ہے، غریب ہے، اس کی ترغیب کا اثر لوگوں پر اتنا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ کوئی عہدے والا نہیں ہے، اس کے انڈر کوئی ٹیم نہیں ہے. ایک ٹیم کا لیڈر، ایک سوسائٹی کا لیڈر، کمیونٹی کا لیڈر جب کوئی کام کرتا ہے وہ دکھاتا اس نیت سے ہے کہ میرے جو انڈر لوگ ہیں، جو مجھے فالو کرتے ہیں، وہ اس چیز کو عمل کریں گے. وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. رہی بات نماز اور روزے کا جو آپ کا بنیادی سوال ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پہلے دل کا ارادہ ہے. پہلے آپ نے دل میں اس بات کو یقین کر لینا ہے کہ میں نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں،
इसके अलावा कोई मकसूद नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई हासिल नहीं है, अल्लाह ताला की रजा हासिल हो जाए, नमाज का यही मकसद है। अगर आपने ये दिल का इरादा कर लिया है, अब आप उर्दू में नियत पढ़ें, अरबी में पढ़ें, अपने जुमले लेकर आएँ ना लेकर आएँ, ये आपके जो है वो अपने मसाइल हैं, इसको आप अपने उलमा से डिस्कस कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर किसी भी अमल के लिए दिल का इरादा नहीं है तो अमल तो आपका हो जाएगा, अमल करने से हो जाता है, लेकिन अगर उसके पीछे नियत खालिस नहीं है या वो नियत नहीं है तो उसका सवाब अजर उसकी उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। उस अमल के करने से अगर कोई फ़ायदा होना है तो वो तो आपको पहुंच जाएगा, लेकिन उसका आखिरत में अजर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आपने अल्लाह ताला को जो है ना वो खास नहीं किया उस अपनी नियत। जज़ाकअल्लाह एहसन सेर हासिल गुफ्तगु फरमा रहे हैं आप। कलाम शामिल करते हैं फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे अल्लाह, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद नाई तेरे दीदार किताब, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे अल्लाह, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, चांद से बचपन में आका खेलते थे इसलिए, चांद से बचपन में आका खेलते थे इसलिए, ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे अल्लाह, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, ऐसा शेर देखिएगा, ऐ चांद
ऐ चांद तू चमकता है, ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है, ये तेरी भूल है। तू भी मेरे हुजूर के कदमों की धूल है। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे अल्लाह, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। जो अली की असर कजा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई, तो वो वक्त पर आफताब को मोड़ दे अल्लाह। छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। जज़ाकअल्लाह। तला इनाम गुफ्तगु हमारी जारी है, नियत खुलूस और हमारी कारकर्दगी पर। बिल्कुल साकिब, और एक छोटी सी कहानी कहें, वाक़या कहें, मैं सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे जो किसी के घर जाते हैं, और नया तामीर करता घर होता है। हमारे यहाँ सकावत है कि जब कोई नया घर बनता है तो वहाँ पर अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग को लेकर जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि भाई एक बड़े बुज़ुर्ग हमारे घर आएंगे, बरकत का सबक बनेगा। इस तरीके से लेकर जाते हैं और सिखाने के लिए वो उससे सवाल करते हैं कि ये जो तुमने अपने घर में खिड़की रखी है, इस खिड़की का क्या मकसद रखा है, किस मकसद की वजह से तुमने अपने घर में खिड़की रखी है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना घर ऐसे तरतीब दिया है कि यहाँ से रोशनी आए, धूप आए, ठंडी और ताज़ा हवा आए। वो कहते हैं अगर इसमें साथ तुम ये शामिल कर लेते कि इसी खिड़की के ज़रिए अजान की आवाज़ मेरे घर में आएगी और मैं नमाज के लिए जाऊंगा, तो तुम्हारा ये छोटा सा अमल, ये दुनियावी अमल कि तुमने अपना घर बनाया और उसमें खिड़की रखी, ज़रूरत है तुम्हारी कि रोशनी आए, ताज़ा ठंडी हवा आए, तो ये भी तुम्हारा नेकी शुमार किया जाता। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लोगों पे इतना शफीक है कि अगर हम कोई गुनाह का इरादा करें, कोई नियत करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को कहता है कि ये ना लिखना। अगर हम गुनाह कर लें तो एक गुनाह लिखना, और अगर हम उसके बाद फौरन तौबा करें तो उस गुनाह को मिटा देना। लेकिन अगर हम नेकी का इरादा भी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाते हैं कि अगर ये नेकी का इरादा भी करे तो एक नेकी लिख देना, और अगर ये नेकी वो कर ले, वो अमल कर ले, तो इसकी दो नेकियां लिख देना, मतलब सवाब डबल हो गया। तो नियत, नेक काम की नियत इतनी ज़रूरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इतने रास्ते आसान कर दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने सिर्फ रास्ते से कि तकलीफ दे शे है ये सोच कर दरख्त की एक शाख को जो है वो जो सफ़र के लिए लोगों के लिए नुकसान का बायस बनती थी, रुकावट का बायस बनती थी, उसको दूर किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उस शख्स का घर जन्नत में बना हुआ था। तो बिल्कुल छोटी सी नेकी भी अगर हो, लेकिन उसकी नीयत हमारे दिल में खालिस हो, जो हम बात कर रहे हैं कि नेकी हो और खुलूस हो, अगर वो खुलूस कदर हो, खुलूस इतना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सवाब इतना ज़्यादा देंगे कि आपने सुना होगा कि अगर एक खजूर या आधी खजूर भी अल्लाह के रास्ते में सदका किया जाए तो वो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहद पहाड़ के बराबर इतना उसको बढ़ा कर देते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि हमारी नीयत साफ हो और खुलूस एक ही हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस नेकी को कबूल कर ले।
जनाब एहसन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे ये जो सवाल मैं करने लगा हूँ ये तो उलमाए किराम से पूछना चाहिए, लेकिन आपका इसके ऊपर क्या मौकफ है बताइएगा। हम अक्सर नियत करते हैं कि अब हम नेकी के अमल में आगे आगे रहेंगे, बुराइयाँ नहीं करेंगे, हम रोज़ाना नमाज पढ़ेंगे, हम रोज़े रखेंगे, हम नेकी के काम करेंगे, हम उम्रा करेंगे, हम हज करेंगे, लेकिन अगर हम ये सब नियतें करते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते, इस हवाले से कहिएगा। इतनी सारी नियतें एक साथ कर ली अल्लाह करे कि हम नियतें करें और फिर उस पर अमल भी करें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम अगर दीन का मिजाज देखें ना, तो दीन भी हमारे पास बिल तरतीब आया है, आहिस्ता आहिस्ता करके आया है, थोड़ा थोड़ा करके आया है। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि मतलब बिल्कुल ही ना वो नमाज पढ़ता है, ना वो रोजे रखता है, ना वो हज करता है, मतलब उसके पास सत्ता खैरात का भी कोई सेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसको जीरो से स्टार्ट करना है। अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी है, बहुत अच्छी बात है, हिदायत दी है तभी वो नियत कर रहा है कि मैं अब माजरत मैं अपने कामों को ठीक करूंगा, अपनी चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाऊंगा। तो अगर नियत करनी है तो फिर एक एक काम की नियत करें। हमारे अपने ख़ानदान में एक आलिम है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनका सिलसिला ये है कि उनसे हमारे ख़ानदान की खातून ने सवाल किया कि मैं जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ पाती, उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती मेरे पास। तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुम नमाज जो है ना सिर्फ फ़राइज़ अदा करो। तो उन्होंने बोला सिर्फ फ़राइज़ क्यों अदा करूँ, फिर तो मैं सिर्फ फ़राइज़ ही अदा करती रहूँगी। उन्होंने बोला नहीं, तुम सिर्फ फ़राइज़ अदा करो, जब फ़राइज़ अदा करने लग जाओ फिर मुझे बताना। फ़राइज़ अदा करना शुरू किए, सुनते खुद बखुद शुरू हो गई। तो नियत का काम ये है कि आपने पहले देखना है कि इंसान ना सहल पसंद है, हम जन्नत से निकाले हुए हैं, जन्नत में थे हम लोग, तो जन्नत में जो लोग होते हैं जिनके पास सारी सहूलतें होती हैं वो सहल पसंद ही होते हैं बुनियादी सतह पर। इंसान को ज़ाइफ़ कहा गया है कुरान मजीद में, इंसान को कम अकल कहा गया है, जज्बाती कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि इंसान सोचता समझता नहीं है, जो चीज़ उसको कंफर्टेबल लगती है उस पर अमल दरामद करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो एक दिन हमारा ईमान इतना बूस्ट हो जाता है कि हम कहते हैं नहीं भाई, आज के बाद तो सारे गुनाह ख़त्म और सारी नेकियां शुरू, ये एकदम नहीं होने वाला, ना हमें ये सोचना चाहिए। फिर क्या होता है, उतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं, एक आधा गुनाह हो गया, एक आधी गलती हो गई, फ़ौरन से मायूस, यार ये तो मुझसे नहीं छूटने वाला, ये आदत तो ख़त्म नहीं होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ताला को मैं बताऊँगा कि मैंने कोशिश तो की थी मुझसे नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कोशिश के तरीके बताए हैं, ऐसे नहीं होता कि हमने कोशिश की अपनी सेंस में, कोशिश करके अपनी दानिश में हमने उस पर अमल दरामद किया, नहीं हुआ तो बस ठीक है, अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, वो तो गफूर रहीम है, वो बेशक गफूर रहीम है, लेकिन वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, बेशक बेशक। तो हम जो है वो नियत को इस तरह करें कि हमारी नियत ये भी हो कि हमने उस पर अमल करना है, सिर्फ नियत ये नहीं हो कि हमने नेकी करनी है, नियत ये हो कि हमने नेकी करनी है, उसका रोड मैप बनाया जाए दुनियावी चीज़ों में, तो हम प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर अपनी तमाम चीज़ों को मतलब उसको डिस्पैच तक और फीडबैक तक का जो है वो मार्जिन रखते हैं। और दीनी मामले में नियत करके अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि नियत कर ली, अब अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम करवा दे, भाई उठो वजू करो नमाज के लिए जाओ, मशक्क़तें उठाओ, ऐसे थोड़ी जन्नत मिल जाएगी, इतनी आसान थोड़ी है। वो है ना 1000 में से 1 जन्नत में जाएगा और 999 जो है वो जन्नत में नहीं जा पाएंगे। इतना दीन के स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई हैं, दीन के स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद करने के लिए हमें बहुत काविशें और कोशिशें करनी है। तो नियत के बाद हमारी कारकर्दगी के ऊपर मैं आता हूँ। नियत और खुलूस के साथ जो हमारी कारकर्दगी जुड़ी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि हमने देखा है कि अब हम जो है वो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड की तरफ आ गए हैं, या फिर हमने देख लिया कि हर चीज़ को जो है वो हमने मार्केटिंग के पर्पस से देखना शुरू कर दिया है, हमारी डोनेशंस भी जो है वो मार्केटिंग को देखकर हैं, सेल बूस्टिंग को लेकर हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को लेकर हैं। तो मैं फिर ये दरख्वास्त करूँगा कि दुनियावी मामलात में आप ये बिल्कुल करें, लेकिन दीनी मामलात में आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि या तो आप सवाब की फिर उम्मीद ना रखें, फिर आप कहें कि हाँ जी हमने जो है वो रमज़ान में अफ्तार इसलिए कराई है कि हमारे फूड की प्रेजेंटेशन हो जाए कि हम खाना किस क्वालिटी का देते हैं। मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के या फूड चेन जो फूड मैनेजमेंट के जो जितने भी वेंचर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ये नियत की है कि मैं जो है वो मिस्कीनों को, फुकरा को, मुसाफिरों को खाना खिला रहा हूँ, रोज़ा अफ्तार करवा रहा हूँ, इस नियत के साथ
کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو روزہ کسی کو افطار کرائے گا اس کو اس روزے دار کے برابر اجر ملے گا اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اگر آپ نے اپنا روزہ تو کما لیا, اپنے ساتھ دس لوگوں کا اور روزہ, اس کو ان کا ثواب بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیا, تو اس کے لیے پھر آپ کو پھر یہ نمود و نمائش سے باز رہنا ہوگا. تو دو ہی چوائسیز ہیں, یا تو دنیا کا سوچ لیں یا آخرت کا سوچ لیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ مالا مال ہو کر ہم آخرت کا بھی امید رکھیں. اس کے طریقے ہیں بالکل ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بھی قرآن میں دعا جو ہے وہ نقل کی, یعنی ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب فرمائیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب ہوں گی. اس کے لیے سوچنا آخرت کا ہوگا. آخرت کا سوچ کر اللہ تعالیٰ دنیا کی جو ہے وہ فائدے اور مال و اسباب دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا کی معاملات کو سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آخرت کا اجر ہمیں آٹومیٹک مل جائے گا, دنیا جو ہے وہ ہمیں پہلے کمانی ہے. یہ الٹا ہم نے اس کو کر لیا ہے, اس کو ریورس کرنا ہے. آخرت سے ریورس انجینئرنگ اسٹارٹ کرنی ہے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں, جو بات میں کرنے لگا ہوں, جس چیز کی میں ترغیب دینے لگا ہوں, اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے. جب آخرت سے تعلق بن جائے گا پھر پرواہ نہیں ہے, دنیا بائی پروڈکٹ ہے. اگر اس کے ذریعے دنیا بھی مل رہی ہے دیکھ لیں, حلال ہے, دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں. اللہ تعالیٰ نے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں آسانی کی گئی, دین آسانیاں پسند کرتا ہے اور مشکلات سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے. ہمیں جو ہے وہ اجتماعی نماز سے لے کر بہت ساری ایسی آسانیاں ہیں, سفر میں قصر نماز سے لے کر, سفر میں روزے کی رخصت سے لے کر, مریض کے روزے کی رخصت سے لے کر, تمام چیزیں ہم دیکھیں تو ہمیں دین میں ہر لمحے پر آسانیاں دی گئی ہیں. اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا بھائی نماز لوسری اسرا, جہاں پہ مشکل ہے وہیں آسانی ہے, راستہ آپ کے سامنے, آپ نے ڈھونڈنا ہے. لیکن آپ کا مقصد آخرت ہونی چاہیے. جو آپ کا خلوص ہے نا, پیورٹی ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر, یہ کلیئرٹی ہے کہ میں نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, جو کرنا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرنا ہے, اس کے عوض مجھے دنیا میں کچھ مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ھذا من فضل ربی. بالکل لہسن یہی باتیں ہیں. ہم نیت کر لیتے ہیں اچھے اچھے کام کریں گے اور نیکی کے کام میں آگے آگے رہیں گے. یہ ضرور نیت کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. آئیے ایک کلام سنتے ہیں سبا کی آواز میں. درے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. درے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت سبحان اللہ سبحان اللہ. جدھر وہ آئی
कभी होगा उधर ही ये दिल जिधर वो आली मकाम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा। जजाक अल्लाह, ये हमारे साथ सबा की आवाज़ थी और बहुत ही खूबसूरत पड़ा। अब हम गुफ्तगू को समेटते हैं। आज का जो मौजू है नियत, खुलूस और हमारी कारकर्दगी, इस पर आखिर में क्या कहेंगे तलाए नाम? आखिर में क्या, शुरू में इब्तिदा में एक ही बात है बस, कि अपनी नियतों को हमने खालिस और साफ रखना है। अगर हम कोई नेकी का काम भी कर रहे हैं तो अगर उसके पीछे नियत हमारी साफ नहीं है, किसी को तकलीफ देना मकसद है, किसी को दिखाना मकसद है कि यार मेरे पास इतना माल है और मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता हूँ, इससे अगर मकसद ये है कि आप उन लोगों की दिलाजारी करें जो खर्च नहीं कर सकते, या अगर हम बात करें अपने दोस्तों यारों में बैठे हुए महफिल के अंदर, हमारा मकसद अगर अल्लाह ना करे कि ये हो कि हम किसी को कमतर दिखाने के लिए अपने पैसों की दावत करें कि सब दोस्तों की दावत करें और हम पॉइंट आउट कर रहे हों किसी को, तो ये नियत आपकी दूसरों को खाना खिलाना बेशक सवाब है, अफ्तारी करवाना सवाब है, हर उस शख्स के बदले आपको भी नेकी मिलेगी जिसने अफ्तारी की, लेकिन अगर नियत आपकी गलत है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। दो लोग हैं, दोनों रात में जागते हैं, एक चौकीदार है एक चोर है, नियत किसकी क्या है ये अल्लाह ताला देखे। क्या एग्जांपल दी है माशाल्लाह। तो बस अपनी नियत को खालिस रखें और इन सलाती व नुसुकी माहया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला के लिए रखें, तो बस फिर अल्लाह ताला मंजिल आसान करते हैं। वो कहते हैं ना कि नियत साफ तो मंजिल आसान। जी एहसन इकबाल, बहुत ही खूबसूरत तलहा इनाम ने बातें कर दी हैं। मैं नियत और खलूस पर तो बहुत सारी बात हो चुकी है और मुझसे ज़्यादा बेहतर बात हो चुकी है। मैं अपनी कारकर्दगी या हमारी जो माशरती कारकर्दगी, इज्तमाही कारकर्दगी है, उसको लेकर बस चंद बातें करना चाहूँगा कि अगर हमने जान लिया है कि नियत की इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमने ये जान लिया है कि नियत के साथ खलूस की इंटीग्रेशन क्या है, तो अब हमें ये जानना है कि हमारी कारकर्दगी क्या है, हमें मुआशरे में निकलना है। मैं समझता हूँ अगर हमें नियत और इखलास के बारे में इल्म है तो हमारी ज़िंदगियों से और हमारी डिक्शनरियों से ये करप्शन नामी लफ्ज़ निकल जाना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ऑफिस में 9 से 5 का वक्त है, वो वक्त मुझसे ख़रीदा गया है, मुझे उसके एवज मुझे कुछ उजरत मिल रही है, तो उसमें मेरे पर्सनल काम नहीं होंगे। मुझे पता होना चाहिए कि फिर इसमें मेरे गेम्स नहीं होंगे। मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं घर जा रहा हूँ, ये टाइम मेरा फैमिली टाइम है, तो इसमें दोस्त नहीं होंगे, इसमें मोबाइल नहीं होगा, इसमें सोशल मीडिया नहीं होगा। और अगर मुझे पता है कि मैंने अपने लिए कोई वक्त मुकर्रर किया है या अपने अल्लाह के लिए कोई वक्त मुकर्रर किया है, तो उसमें कोई तीसरा नहीं होगा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना यसीरु रियाई शिरकुन, बेशक मामूली दिखावा बेशक है। मामूली दिखावा शिर्क क्यों है? शिर्क तो अल्लाह ताला की अस्मा सिफात और उसकी ज़ात में शिर्क करना है। मसला ये है कि जब हम मामूली दिखावा करते हैं तो उसमें तीसरा बंदा आ जाता है जिसको आप बता रहे होते हैं कि देखो मैं भी अमल कर रहा हूँ। जब आप उसको बता रहे हो, यानी आपकी ज़ात का नस्बुल ऐन वो तीसरा बंदा है जिसके लिए आप दिखावा कर रहे हैं, अल्लाह ताला भी है लेकिन वो तीसरा बंदा भी है, जिसकी वजह से आपकी वो नेकी शिर्क में तब्दील हो गई। और शिर्क वो वाहिद गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसके लिए दुनिया में माफ़ी मांग के जाएँ। अल्लाह ताला अपने फजल से शिर्क माफ़ नहीं करेगा। यानी आपने ये देखना है कि आपकी कारकर्दगी नियत और इखलास पर बेस करती है कि नहीं करती। अगर बेस करती है, उसके बाद आपकी टेक्निकलिटीज़ में जो एरर्स हैं, जो आपने जैसे नमाज पढ़ते हैं, नियत हमारी खालिस है लेकिन उसके दरमियान हमारे कुछ ख्यालात आ गए हमें, या हम भूल गए, या कोई रुकन अदा होने से रह गया, या कोई मसला आ गया, वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, वो सगीरा गुनाह सगाइर में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने भरपूर नमाज पढ़ी है, रिक्कत आमेज़ नमाज पढ़ी है, नियत इखलास की नहीं थी, तो फिर अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला हम सब की जो है वो इस्लाह फरमाए और हमें जो है वो
ہمت دے. ہمت بہت بڑی چیز ہے آج کے دور میں جب ہر طرف فتنوں کا عالم ہے, ہر طرف انسان کو گھیرا ہوا ہے جو دنیاوی معاملات ہیں انہوں نے, اس میں میں سمجھتا ہوں ہمت کا بہت بڑا کردار ہے. اگر کوئی انسان ہمت کر سکتا ہے, حوصلہ کر سکتا ہے, چیزوں کو پینڈنگ میں ڈال سکتا ہے اللہ کے لیے, اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے, وہ شخص جو ہے وہ پھر اس دنیا کا معزز ترین شخص ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس میں اتنی کریج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کریج شو کر سکتا ہے, اپنی دنیا کے معاملات کو فلیکسیبل بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے, اتنی ہمت دے کہ ہم یہ تمام چیزیں بحسن و خوبی ادا کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی کاموں میں بھی پرفیکشن لا سکیں. اس سے قبل کہ ہم مناجات کی طرف بڑھیں, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, ایک چھوٹا سا سوال. یہ ایک میسج بہت زیادہ ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر مانگنے والے آتے ہیں, گداگر آتے ہیں, اور ہم جب صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں, ان کو دے رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو مانگنے والا ہے یہ واقعی ڈیزرونگ بھی ہے یا نہیں ہے. اکثر مافیا کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس پر کیا ہماری تو نیت ثواب کی ہوتی ہے طلحہ انعام, اس پر میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا میسج اگر دے دیں. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ, ہماری نیت جو ہے ہم دے دیں یا پھر نہ دے, کیا کریں؟ ثاقب, اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ کے نام پر اگر کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کو دے دیں, کیونکہ آپ جس کے نام پر اس کو دے رہے ہیں نا, وہ آپ کو اس سے زیادہ ڈبل اور کیوں بے شمار تعداد میں ڈبل کر کے نوازنے والا ہے. تو اللہ کے نام پہ اگر کوئی مانگتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نام پہ اگر کوئی تم سے سوال کرتا ہے تو اس کو دے دو. یہ بہت سارے معاملات میں ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو جھوٹی قسم کھانے والے کو, اگر وہ سامنے والا جھوٹا ہے تو اس کے لیے پھر وہی ہے جو کچھ کہ اس نے نیت کی, اور ہمارے لیے وہی ہے جو ہم نے نیت کی. جناب آج کی حد تک اتنا ہی, بشرطے صحت اور سلامتی اور زندگی, آپ سے ملاقات ہوگی کل. آئیے دعا اور مناجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں مولا, میرے خدا مولا میری روز و شب ہے یہی صدا, تو رحیم ہے تو کریم ہے, تجھے تو تیری شان جل جلالہ میں کتنا میری آس ہے, مجھے بخش تو اے میرے خدا, تو یہ میری صدا یہ میری دعا, مجھے بخش دے سر روزے جزا, کو میرے چھپا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے رحمت کا یا رب,
جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا, تیرے عذاب سے ہمیں خوف ہے, تیرے قہر سے ہم کمزور اور عاجز, ضعیف اور نادوا, تو قوی اے میرے خدا, تو غنی اے پروردگار. انسان بنا میرے مولا, تو مسجود میرا, ہے تیری ادا یہ ماہ دعا, یہ تلاوتیں اور یہ تسبیحاں, اے میرے خدا مولا, ہماری دعائیں, ہماری ندائیں, ہماری عبادتیں, ہماری صدائیں, ہمارے روز و شب تیرے واسطے حصول ہے تو تیری رضا, ہمارا مقصود بھی تو, مسجود بھی تو, مالک بھی تو, خالق بھی تو. میں بندہ بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک رکھیں گے. پاکیزگی ہے دل کی سب کوشش کریں گے, اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے. راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے, راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے. جو پیچھے رہ جائے